चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज बाघ मेला क्षेत्र में युवा चेतना सेवा में लगा हुआ है, वो संतों और श्रद्धालुओं के बीच लगातार 20 दिनों से सेवा का काम कर रहा है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह सेवा कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। युवा चेतना के सेवा अभियान में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी भी शामिल है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने बताया कि च्यवनप्राश, कंबल, स्वेटर, ब्लोअर, पानी गर्म करने वाली रॉड और भोजन बांटा जा रहा है और उन्होंने दावा किया कि सनातन धर्म सेवा का भाव सिखाता है। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में युवा चेतना के द्वारा लगातार संत महात्माओं, श्रद्धालुओं और यहां काम कर रहे कर्मचारियों के बीच में लगातार च्यवनप्राश, अन्न, कंबल, स्वेटर, पानी गर्म करने वाला इमर्शन रॉड, ब्लोअर, तमाम चीजों का वितरण किया जा रहा है। माताओं बहनों के लिए साड़ी, हम लगातार दिन रात जग करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। यूपी के माहौल को विषैला बनाने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर सपा के लोग कभी सफल नहीं होंगे। यूपी की जनता ने सपा को नकार दिया है, बयान केशव प्रसाद मौर्य का। कहते हैं सपा को सामाजिक माहौल खराब करने की नौटंकी से राजनीतिक फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। बयान है वो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे विषैला बनाया जाए इस प्रकार की असफल कोशिश है। लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वह सोचते हैं कि इससे वह पिछड़ों को या दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों, दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया, उनका भविष्य अब उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। यह मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं और यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर उनके पास जनहित से जुड़े हुए कोई मुद्दे हों उनको लेकर के आवें, जो मुद्दे न भाजपा से संबंधित हैं, न सपा से संबंधित हैं और न राजनीति से संबंधित हैं, उन मुद्दों को लेकर के आना और समाज का माहौल खराब करना ये गैरकानूनी आचरण है, इसे नहीं करना चाहिए। ट्वीट आप देखिए इसी बीच में उन्हीं का, सपा को सामाजिक माहौल खराब करने की नौटंकी से राजनीतिक फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा, सपा बनेगी समाप्तवादी पार्टी। वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो आचरण है समाजवादी पार्टी का उन्हें राजनीतिक लाभ कम देगा, नुकसान ज्यादा करेगा। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, ट्वीट का कंटेंट हम रख रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज अभिभाषण में केंद्र की ओर से कही गई बातें तथा किए गए दावे, देश की 100 करोड़ से ज्यादा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि से त्रस्त जनता की सांत्वना और शांति के लिए बहुत ही कम। लोग सुखी होंगे तभी देश बढ़ेगा। साथ ही सरकार की आंतरिक और आर्थिक नीति से देश में अमन चैन, सुख समृद्धि, विकास और खुशहाली के उस माहौल का अभाव जिससे अपार गरीबी और बेरोजगारी दूर होकर यहां लोगों का जीवन थोड़ा बेहतर हो, जनता की जेब खाली किंतु कुछ लोगों के हाथों में देश की पूंजी है, यह कहती है बीएसपी सुप्रीमो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।